वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और वर्कआउट खत्म हो चुका है। वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से ऊपर ही बात करने वाला था, लेकिन मेरे को थोड़ा दो नंबर आ गई थी। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या भैया? तो मैं भक्ते भक्ते नीचे आया। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात बाद में भी हो सकती है, लेकिन वो करना जरूरी है, तो मैं भक्ते भक्ते नीचे आया। और आज लेग्स डे था। आपको मैंने कुछ कुछ क्लिप्स दिखा दिया है कि लेग्स में मैंने क्या क्या किया। और घर पे करते हैं तो पूरी मशीनें तो रहती नहीं है जैसे जिम में रहती है, तो जो जो पॉसिबल वे से कर सकता तो मैंने वो पॉसिबल वे से वर्कआउट करता हूँ मैं लेग्स का। और मैंने प्रोटीन ले लिया, सब हो गया, नहा के हो गया मेरा। अभी मेरी क्लासेस चालू होने वाली है तो मैं क्लास के लिए तैयार हो गया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से क्लास करने के बाद, और देखते हैं आज क्या क्या काम है मेरे को, और मैं आप लोगों को क्या क्या अच्छा अच्छा दिखा सकता हूँ। और आप लोगों को व्लॉग्स में और क्या चाहिए मेरे से, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताओ। और प्लीज़ बताइए आप लोग कमेंट में कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग्स मेरे को आप लोगों को देखना पसंद है, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह के व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा। और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग प्लीज़ बताओ। और गुड मॉर्निंग आप लोगों को सबको, वो मैं बोलना भूल गया था। तो मिलते हैं आप लोगों से जो भी आज मैं करने जाऊँगा, और आप लोगों को जो भी मैं अच्छा दिखा पाऊँगा, तो मिलते हैं क्लास करने के बाद। देखा, बहुत थक गया हूँ, पूरा लाल हो गया पसीने से। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या लेके, बुक्स तो ले जा रहा हूँ आप लोग ने देख चुके हो यार मेरा, हाँ बुक्स ले जा रहा हूँ आप लोगों ने देख तो चुके हो, लेकिन कहाँ ले जा रहा हूँ, क्यों ले जा रहा हूँ मैं इतनी सारी बुक्स, और क्या है ये आप लोगों को मैं कार में बैठ के बताता हूँ। पहले डिक्की दिखा देता हूँ, पूरी भर चुकी है कार की बुक्स से। खुजा सिम सिम, ये देखो पूरी पूरी बुक से। रहने दे जय दोस्त अपना, रहने दे। मिलते हैं आपसे कार में। तो गाइस हम कार में बैठ चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हो। और मैं जा रहा हूँ अभी मेरी बुक्स बेचने। मैंने आपको जहाँ तक बताया पहले घर पे, जब मैं आईटी होम में था तब की बुक्स है मेरी ये, मतलब जब 11th 12th किया था मैंने, तब की जो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया था तब की बुक्स है ये आईटी होम की। तो बहुत दिन से फालतू घर पे पड़ी थी और जगह खा रही थी पूरा घर का, मतलब जहाँ पर भी मैंने रखा तो फालतू जगह बर्बाद हो रही थी वहाँ की, वहाँ पर मैं अपने और सामान रख सकता हूँ कुछ कुछ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं बुक्स बेच दूँ, क्या करूँगा घर पे रख के। और बहुत ज़्यादा मेरे को लगा नहीं था कि इतनी सारी बुक्स होंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुक्स थी। और इतने बुक्स का मैं घर पे रख के कोई मतलब नहीं था ये, तो मैंने सोचा कि पहले अकेले उठा लूँगा, इतनी ज़्यादा बुक्स आई नहीं। लेकिन बाद में जब देखा तो इतनी थी कि मेरे को खुद को नहीं उठाना हो रहा था, फिर मेरे भाई और चाची और इन्हें मदद की मेरे को उठाने में जो बुक्स थी। तो देखते हैं कितने रेट में जाती है बुक्स, क्या जाती है, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी है बुक्स की। तो मिलते हैं आप लोगों को।
Few moments later. तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जहाँ पे मेरी बुक सेल किया, तो मैं वो भैया से आप लोगों से बात करा देता हूँ कि आप लोगों को भी बुक सेल या खरीदना है सेकेंड हैंड, नई भी मिलती है भैया? नई भी मिलती है। तो नई या सेकेंड हैंड खरीदना है तो आप भैया से आपको बात करा देता हूँ कि कैसे खरीद सकते हैं आप यहाँ पे, और मैं दुकान का एड्रेस भी नीचे डाल दूँगा, तो आप भैया से। तो भैया सेकेंड हैंड बुक्स और नई वाली बुक्स मिलती है ना आपके यहाँ? तो क्या रेट में मिलती है, क्या प्राइस में मिलती है? ये तो ऐसे जैसे 70% 80% न्यू है। अच्छा, एकदम लेटेस्ट एडिशन हो ना, जैसे 20 का 21 का, तो 90% तक आता है। और सेकेंड हैंड में ऐसे 60% 50% हम सेल करते हैं। तो परचेसिंग में ऐसे है कि एडिशन और बुक का मेन कि चालू है या बंद है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज कितने का लेने को ना और बेचने को। अच्छा, और आप लेते कहाँ से हो बुक्स ऐसे? ये आप लोग स्टूडेंट से जो आते हैं, स्टूडेंट हमारे पास वो बेचने भी आते हैं और खरीदने भी आते हैं। अच्छा, ठीक है ना भैया। तो मतलब आप कितने परसेंटेज में दे देते हो, जैसा कोई बेचने आया आपको बुक्स, तो आप कितने परसेंट, मतलब कितने, जैसा कि 10,000 की उसने बुक्स खरीदा हो और 1.5 साल बाद आपके पास आया बेचने के लिए, वो करो ले जाओ, करो ले जाओ, करो ले जाओ, रिटर्न कर दो, 50% मार्जिन रहते हैं। ऐसा है कि उसमें एडिशन भी फिर पुराने हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे आप एक कोई कोई एग्जाम रहते हैं जो 2 साल के रहते हैं, 3 साल के रहते हैं, तो उसमें कैसे एडिशन पुराना ओल्ड हो जाता है, उसमें आधा मार्जिन रहता है और आधा कस्टमर की पढ़ाई भी हो जाती है। 5%